अस्सलामु अलैकुम। हेयर मास्क कोकोनट मिल्क पाउडर या कोकोनट क्रीम के साथ, कोकोनट मिल्क इन तीनों चीज़ों से बन सकता है। पाकिस्तान में जो फ्रेश कोकोनट मिलता है वो आप लेकर उसको ब्लेंड करके तो उसका जो मिल्क है वो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि चीज़ क्लॉथ जो मलमल का कपड़ा होता है उसमें। कोशिश करें अगर साथ में वो जो कोकोनट का वाटर होता है इनसाइड कोई बॉटल ले जाएं, अगर वो भी वो दे दें तो वो ज़्यादा इजी है। और ये जो है कोकोनट मिल्क पाउडर लेना या कोकोनट क्रीम, ये दोनों ही हलाल हैं और इसमें ज़्यादा 90% के करीब इसमें कोकोनट है। अब है एवोकाडो। ये मैंने मास्क पहले भी बनाया था और मुझे इसके बेनिफिट ज़्यादा मिले हैं। अब हर किसी के हेयर डिफरेंट हैं, लेकिन जब बहुत सालों से हेयर कलर होता है, वाटर जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ किया जाता है वो, और शैम्पू कंडीशनर ये चीज़ें यूज़ करके कंटिन्यूसली, तो हेयर सबके ही डैमेज हो जाते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी बालों का गिरना और हेयर का डैमेज होना ये बहुत ज़्यादा है। एक तो पानी का मसला, बहुत ज़्यादा पानी सही नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर शैम्पू बार बार चेंज किए जाएं। एवोकाडो में मैंने ऐड किया एग और ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है ये पैकेट, ये कुकिंग में भी यूज़ होता है और ऐसे ब्यूटी में भी। मिल्क पाउडर का मैं पूरा ही पैकेट यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अपने हेयर की लेंथ पे भी लगाना है और इसका हैंड और फुट मसाज भी बहुत अच्छा होता है अगर पेडिक्योर करना हो तो। ये मैंने इसमें एक पैकेट मिल्क पाउडर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें लाइट वार्म वाटर ऐड करके तो इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनानी है। कॉन्टीन्यूसली चीज़ें जब यूज़ होती हैं, जैसे कि पहले टाइम पे अंडा, मस्टर्ड ऑयल, योगर्ट, ये बहुत यूज़ होता था। और ऐसे नहीं कि एक माह बाद कर लिया, आजकल टाइम शॉर्ट की वजह से बहुत कम टाइम दिया जाता है इन चीज़ों को, और वीकेंड पे एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से ये नहीं होता। लेकिन इसके बेनिफिट 3 डेज़ बाद, जो एग और मस्टर्ड ऑयल का जो है 3 से 4 डेज़ या वीक में एक बार कॉन्टीन्यूसली अप्लाई हो, स्पेशली बच्चों के, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फिर सही रहता है। और अब अंडा, एवोकाडो और ये कोकोनट मिल्क पाउडर, तो अगर पाउडर यूज़ नहीं करना तो क्रीम भी इसमें यूज़ हो जाएगी। अब इसको कर रही हूँ ब्लेंड कि एवोकाडो जो है वो इसमें अच्छा सा एक मिक्स हो जाए। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है बालों में, जो कि कंडीशनर के बाद भी एक फ्रेग्रेंस होती है। और जो इसको जब हम यूज़ करते हैं, कोकोनट पाउडर है, एग है, एवोकाडो है, तो ये इसको बालों पे एटलीस्ट 30 मिनट लगा रहने दें। ये बिल्कुल एक ऑयल की तरह, जैसे कि होता है थोड़ा सा पतला सा फील हो, तो इसको 30 मिनट लगाकर आप बालों के रूट्स में इनसाइड आउटसाइड लगा रहने दें। तो फिर शैम्पू करके कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। कंडीशनर से बाल नरम रहते हैं शैम्पू के बाद, जो कि हम कॉन्टीन्यूसली एक शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अब बन गया और इसको लगाकर जो है, पाकिस्तान में अगर एवोकाडो अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेश कोकोनट और उसमें एग, ये इसकी जो पेस्ट है वो इतनी ज़्यादा ऐसे पतली नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा गाढ़ी है, लेकिन ये अपने बॉडी मसाज, फुट, हैंड, बालों के लिए बहुत ही सुपर बेस्ट है। अगर कोई ये यूज़ करे तो अपने रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें। अपने ब्यूटी टिप्स, अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच आप सबकी करेज के लिए, जिससे मैं ये अपनी नॉलेज से, आप सबकी नॉलेज से बहुत बेस्ट शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।